दोस्तों आप थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि आज हम किस बारे में बात करें। आज बात कर रहे हैं चिरंजीवी योजना की। तो जैसा कि आप सभी जानते ही है कि मुख्यमंत्री श्री अशोक जी गहलोत ने बजट घोषणा के अंदर ये कहा गया था कि 8 लाख से जिनकी आय कम है उनको चिरंजीवी परिवार में माना जाएगा, मतलब चिरंजीवी योजना में उन्हें सम्मिलित कर लिया जाएगा। तो ये कैसे कर लिया जाएगा और कैसे ये होगा, सारी प्रोसेस इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर। घोषणा के अंदर ये था कि चिरंजीवी योजना के अंदर आपको फ्री में जोड़ा जाएगा। ये कैसे जोड़ा जाएगा ये सब कुछ बता रहा हूँ कि आपको सबसे पहले अपना जन आधार कार्ड अपडेट करना पड़ेगा, लेकिन ये अभी फिलहाल नहीं आया है। जन आधार के अंदर ऐसा कोई अपडेट नहीं आया है, लेकिन आपको जल्दी से जल्दी ये अपडेट देखने को मिलेगा ताकि आप भी अपनी चिरंजीवी योजना के अंदर फ्री में जोड़ सके। तो आपकी आय 8 लाख से कम है तो आप जुड़ सकते हैं चिरंजीवी योजना के अंदर, लेकिन इसके लिए आपको किसी वेबसाइट पे जाने की जरूरत नहीं होगी, आपको सिर्फ जन आधार को अपडेट करना होगा। लेकिन अब ई साइन की जो बात है तो आपको चिरंजीवी योजना के पोर्टल पे जाके ई साइन करके रखना है ताकि आपकी आय पहले से ही अपडेट है, 8 लाख से कम है अपडेट है, तब आप ऑटोमेटिकली ही जब भी अपडेट आए तब आप जुड़ जाए। लेकिन ऐसा क्या होगा, आपको एक बार जन आधार कार्ड अपडेट करना पड़ेगा। जन आधार कार्ड आप अपडेट करेंगे तो वहाँ पे आपको, जब आय अपडेट करेंगे तो वहाँ पे आय प्रमाण पत्र भी आपको अपलोड करना पड़ेगा। तो ये ऑप्शन जल्दी आ जाएगा और आय प्रमाण पत्र तो फिलहाल अपलोड हो रही है। आप जब भी इनकम आपके अपनी अपडेट कर रहे हो तो वहाँ पे आपको सब घोषणा भी करके कह रहा है कि इतनी आपकी आय है क्या, रियल में है कि नहीं है वो भी कह रहा है। और पीछे डॉक्यूमेंट जब अपलोड के अंदर जाते हैं तो इनकम सर्टिफिकेट भी आपसे मांगा जाता है, तो इनकम सर्टिफिकेट वही है और वही अपलोड करना पड़ता है। तो जन आधार कार्ड को कैसे अपडेट कर सकते हैं, बहुत सारे वीडियोस मैंने बना रखे हैं, लेकिन इनका आपको बता ही देता हूँ। आपकी SSO ID होगी या फिर आप नज़दीकी ई मित्रा पर जाइए। यदि आपकी SSO ID है तो आप खुद ही ये जन आधार कार्ड को अपडेट कर सकते हैं। तो क्या करना है, जन आधार पोर्टल को ओपन करना है SSO से और उसके बाद में इनरोलमेंट स्टेटस पे क्लिक करना है। उसके बाद में आपको वहाँ पे इनरोलमेंट सिटीजन एडिटिंग जो भी है सिटीजन एडिटिंग उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। वहाँ पे किसी से भी आपको वेरीफाइड करवा लेना है। उसके बाद में वहाँ पे आपको हर एक सदस्य की आय को अपडेट करना है। चाहे कोई स्टूडेंट है उसकी आय 0 है तो आपको 0 वहाँ अंकित करनी पड़ेगी, वरना आप क्या है कि चिरंजीवी योजना के अंदर नहीं जोड़ा जाएगा। या जिनकी 0 है उनकी 0 ही आय अपलोड या वहाँ अपडेट करनी ज़रूरी है। तो वहाँ पे आय अपडेट करेंगे, वहाँ पे आपको प्रमाण पत्र मांग लिया जाएगा और बाद में भी आप अपलोड कर सकते हैं। वहाँ पे अपलोड ऑप्शन नहीं आता तो बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन जल्दी जो नई अपडेट आएगी जन आधार के अंदर ही आएगी और आपको किसी भी वेबसाइट पर जाने की ज़रूरत नहीं होगी। जैसे मैंने कहा चिरंजीवी योजना की वेबसाइट पर भी जाने की ज़रूरत नहीं होगी, ऑटोमेटिकली ही आपको चिरंजीवी योजना के अंदर माना जाएगा। चिरंजीवी आपको बताइए कैसे स्टेटस चेक करते हैं, मैंने पिछले वीडियो में बताया था स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं। तो आपको सिंपल सा, आपको किसी भी ब्राउजर के अंदर जाना है, गूगल पर आप जाकर सर्च कर सकते हैं चिरंजीवी योजना। जैसे ही सर्च करेंगे पहली वेबसाइट आ जाती है, सिंपल सा उसके ऊपर क्लिक करना होता है और वहाँ पे अपना जन आधार कार्ड नंबर डालना होता है। वहाँ पे लिखा आना चाहिए एलिजिबिलिटी के अंदर यस लिखा आना चाहिए। आपको नीचे कैटेगरी भी लिखी हुई होगी कौन कौन सी कैटेगरी से आपने आवेदन किया है, जिस हिसाब से, जैसे आपकी NFS है तो NFS लिखी आएगी, यदि सीमांत किसान है तो SMF जो भी है वो लिखा आएगा। और फिलहाल जो 8 लाख से कम है उनकी भी कैटेगरी जल्दी से जल्दी आ जाएगी और आप ऑटोमेटिकली ही चिरंजीवी योजना के अंदर रजिस्टर हो जाएंगे यदि आपकी आय 8 लाख से कम है, वार्षिक आय 8 लाख से कम है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि जो भी आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।